गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी, फ्रूट एंड इट्स टाइप्स. फ्रूट्स एंड इट्स टाइप्स, दैट टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नेट, पीजीटी, टीजीटी, नीट, एम्स एंड अदर बायोलॉजिकल एग्जाम्स. सो मैं आप सभी से शुरू करूं वीडियो, इससे पहले विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, ठीक है. और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक और विनती है आप सभी से कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट की. किसकी बात करते हैं? फ्रूट की. तो फ्रूट है क्या, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं. द फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट यानी फेनरोगेम्स का ये एक लाक्षणिक गुण है फ्रूट, ठीक है. इट इज अ मैच्योर एंड राइपन्ड ओवरी. यह क्या है, परिपक्व और पकी हुई अंडाशय को ही हम फ्लावर कहते हैं. अंडाशय से ही फ्लावर बनता है, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द राइपन्ड और मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. हम तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसको एक कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसी बात को, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी राइपन्ड और मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. इट इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी. मतलब कि जब कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन या बिना निषेचन के बनता है ओवरी से, तो इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. इसको हम क्या कहते हैं, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बनने की प्रक्रिया को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है. और ये पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये सीडलेस होते हैं. कैसे होते हैं? फ्रूट्स आर सीडलेस, मतलब इनमें कोई बीज नहीं होते हैं, ठीक है. आगे बढ़ें अगर हम, तो देखते हैं कि जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ पेरिकार्प और बाल, या इसे बाल भी कहते हैं पेरिकार्प, और सीड, ठीक है. दो चीज़ों से मिलके बना होता है फ्रूट. एक तो उसकी जो ऊपरी कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं या बाल कहते हैं, और दूसरा सीड. व्हेन एपिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, जब ये बाहरी जो कवरिंग है एपिकार्प, ये मोटी होती है और गूदेदार होती है, तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिक एक्टोकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प. ये तीन लेयर में बटी होती है. सबसे बाहरी को हम एक्टोकार्प कहते हैं, मध्य को मीजोकार्प कहते हैं, और सबसे आंतरिक जो होती है उसको एंडोकार्प कहते हैं. फ्रूट की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने पार्ट्स ऑफ फ्रूट पढ़ लिए, ठीक. सीड्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द ओव्यूल्स. इन सम प्लांट्स ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको हम पार्थेनोकार्प. लेकिन जो जैसे सीडलेस होते हैं उनको हम बनाना ग्रेप्स कह लें. लेकिन कुछ केस में हम देखते हैं कि जो सीड्स हैं वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं. अब सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, दो तरह के फ्रूट्स हैं. द फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओनली ओवरी, मतलब वे फ्रूट जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट. क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट. और वे फ्रूट, ठीक है, वे फ्रूट जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से, फूल के किसी अन्य भाग से, ठीक है, जैसे बाय दलपुंज और रिसेप्टिकल आदि से उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट. जैसे सेब, नाशपाती,
सहतूत आदि। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रूट देखेंगे हम। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट को हम एकल फल कहते हैं, हिंदी में अगर हम देखें तो एकल फल कहते हैं। और अगर हम एग्रीगेट फ्रूट को देखें तो इनको हम जो है हिंदी में संग्रहित फल कहते हैं, पुंज फल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंज फल। इनको पुंज फल कहते हैं, पुंज फल। और जो कंपोजिट फ्रूट है इनको हम संग्रहित फल कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहित फल। इनको संग्रहित फल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके आगे बढ़ें अगर हम, तो देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो है वो डेहिसेंस होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक तो स्फोटक यानी फूटने वाले डेहिसेंट, दूसरे अस्फोटक, इसमें हमने लिखा है आगे, दूसरे हैं वो है इनडेहिसेंट या अस्फोटक फ्रूट। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो है विदुर फल, जिन्हें बोलते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट। तो हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले शुरू करते हैं डेहिसेंस फ्रूट की या अस्फोटक फ्रूट। ठीक है, तो अगर हम इनकी चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि जो डेहिसेंस फ्रूट हैं वो क्या होते हैं। फल जब परिपक्व या मैच्योर हो जाता है तो फल वित्ती फट जाती है ऐसे फ्रूट में। उनको ऐसे फल जिनके परिपक्व होने के बाद फल वित्ती फट जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? विस्फोटक फल या डेहिसेंट फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, ये कई तरह के होते हैं। नंबर एक लेग्यूम या पोड, ठीक है, फली कहते हैं। यह सुपीरियर मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी से विकसित होते हैं, मतलब सुपीरियर यानी कि ऊर्ध्ववर्ती और एकांडपी मोनोकार्पिलरी और एक कोष्ठीय यानी यूनिलोकुलर ओवरी से विकसित होते हैं। मैच्योर फल शिखर से, मतलब मैच्योर फल जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ दोनों सीवन से फटते हैं। जैसे फेबेसी फैमिली के जो फल होते हैं आपने देखा होगा वो सब इसी तरह से फटते हैं। दूसरे जो फ्रूट होते हैं वो होते हैं फोलिकल फ्रूट। दूसरे जो फ्रूट हैं वो हैं फोलिकल फ्रूट। कौन से हुए? फोलिकल फ्रूट। ठीक है, तो फोलिकल फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, फोलिकल फ्रूट जो है वो सुपीरियर और मोनोकार्पिलरी यानी एकांडपी और ऊर्ध्ववर्ती और यूनिलोकुलर ओवरी यानी एक कोष्ठीय ओवरी से विकसित होते हैं। बट मैच्योर फ्रूट डेहिसेंट फ्रॉम मिडल, वहाँ क्या हो रहा था कि अपर ऊपर से नीचे की तरफ दोनों सीवन में फट रहे थे फ्रूट। यहाँ पर जो फ्रूट फटेंगे वो बीच से फटेंगे, मिडल से। ठीक है, जैसे कैलोट्रोपस प्रोसेरा या मदार का पौधा, डेल्फिनियम, ठीक है, ये सभी पौधे क्या है, ये फॉलिकल होते हैं। अब हम तीसरी बात करें अगर फ्रूट की, तो देखते हैं हम, तीसरा फ्रूट है सिलिक्यूआ। ठीक है, इट इज़ मल्टी सीडेड, मतलब बाइलोकुलर फ्रूट है। इसमें दो कोष्ठ होते हैं और बहुत सारे सीड बनते हैं, विच डेवलप फ्रॉम द बाइकार्पिलरी। ये क्या है? द्विअंडपी और सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं। इस फुटन इसमें जो डेहिसेंट होते हैं फ्रूट के वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि वहाँ अगर हम पहले केस में देखें लेग्यूम और पोड के में वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, फटते हैं। और ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलिकुआ का, वो है क्रूशिफेरी। कौन है? क्रूशिफेरी, आगे लिखा भी होगा शायद, ठीक है, क्रूशिफेरी फैमिली यहाँ लिखा है, देखिए क्रूशिफेरी फैमिली इसका बेस्ट एग्जांपल उदाहरण। बीज जो है रेप्लम पर लगे होते हैं, कहाँ पर? आभासी पट पर लगे होते हैं। इसमें पट तो रियल पट नहीं होते हैं, आभासी पट होते हैं, उन पर सीड लगे होते हैं। अगला है सिलिकुला, छोटे चौड़े और चपटे उदाहरण, मतलब बीज होते हैं इसके,
या फ्रूट होते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैप्सुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कैप्सूल फ्रूट की बात करते हैं। कैप्सूल फ्रूट जो है यह बहुअंडपी मतलब मल्टी कार्पेलरी, युक्तांडपी, सुपीरियर, कभी कभी इन्फीरियर, ठीक है, ओवरी से विकसित होते हैं। और इनमें अगर हम देखें तो जो स्फुटन या डेहिसेंट होता है वो विभिन्न टाइप से होता है। जैसे पोपी अगर हम देखें, मतलब पोस्त का पौधा पेपेवर सोमनीफेरम, तो इसमें पोरस तरीके से फटता है फ्रूट। ठीक है, कॉटन में देखें तो लोक्यूली सिडल तरीके से फटता है, और सेप्टी सिडल तरीके से लाइनम में फटता है, अलसी में। और अगर हम देखें धतूरे में तो ये सेप्टी फ्रैगल तरीके से फटता है, सेप्टी फ्रैगल तरीके से। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। और पोर्टुलाका में ट्रांसवर्स तरीके से भी फटता है, ठीक है, ट्रांसवर्स भी फ्रूट फटता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अब हम देखते हैं इनडेहिसेंट फ्रूट, ठीक है, या अब स्फोटक फल, फल के परिपक्व होने पर फल वित्ती नहीं फटती, उसमें मैच्योर होने पर फल वित्ती फट जाती थी, इसमें मैच्योर होने पर फल वित्ती नहीं फटती। ये भी कई तरह के होते हैं। नंबर एक एकिन फ्रूट, ये डेवलप मतलब ये कोष्ठीय होते हैं, सिंगल सीडेड होते हैं, मतलब सिंगल बीज वाले होते हैं, एक बीजी होते हैं और एक कोष्ठीय होते हैं। डेवलप होते हैं मोनोकार्पेलरी, एक अंडपी और सुपीरियर ओवरी से, ठीक है। एपिकार्प सेपरेट होता है सीड कोट से, बीज छोल से या बीज पत्र से जो है, या बीज आवरण से, फल भित्ती या एपिकार्प सेपरेट होता है, अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्लीमेटिस और नारवेलिया, इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा फ्रूट है वो है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस आप लोगों ने देखा होगा, इसके बेस्ट एग्जांपल जो हैं वो राइस और वीट और मेज, राइस वीट मेज, ये कैरियोप्सिस के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये भी यूनिलोकुलर सिंगल सीडेड होता है, मतलब एक कोष्ठ में बनता है, एक कोष्ठीय होता है और एक बीजी होता है फल। डेवलप होता है एक अंडपी यानी मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। एपिकार्प इसका अलग नहीं होता है सीड कोट से, ये जुड़ा होता है, जैसे चावल गेहूं में जुड़ा होता है, इसके बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं सिप्सेला। सिप्सेला की अगर हम बात करें तो यूनिलोकुलर सिंगल सीडेड फ्रूट ये भी होता है, लेकिन ये बाईकार्पेलरी दुई अंडपी और इन्फीरियर ओवरी से विकसित होता है। एपिकार्प इसका सीड कोट से अलग होता है, ठीक है। कैलेक्स मॉडिफाइड हो जाता है पेपस में, ठीक है, विच हेल्प पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ सीड स्कैटरिंग, जो कि पैरासूट मैकेनिज्म जो है सीड स्कैटरिंग की एक मैकेनिज्म होती है, इसमें ये पेपस मदद करते हैं। जो कैलेक्स हैं वो पेपस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये पैरासूट मैकेनिज्म होती है जो बीज प्रकीर्णन की उसमें मदद करते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो एग्जांपल है वो है नट। किसका है? नट फ्रूट का, ठीक है। ये भी यूनिलोकुलर एक कोष्ठीय और सिंगल सीडेड फ्रूट है, बाईकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है, मतलब एक अंड दुई अंडपी और बहुअंडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होता है। एपिकार्प इसका जो है सॉलिड होता है और वुडी होता है, मतलब लकड़ी नुमा होता है और कठोर होता है, जो बीज फ्रूट का एपिकार्प होता है, भित्ती होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीची, सिंघाड़ा और काजू, ठीक है, लीची, सिंघाड़ा और काजू, इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, कैस्टोनट, ट्रापा और लीची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है समारा फ्रूट। ये भी जो है सिंगल सीडेड फ्रूट है, बाईकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। एपिकार्प इसका जो है पंख के समान होता है और वायु द्वारा प्रकीर्णन में सहायता करता है। और होलोप्टेरा, हेप्टेज इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है, समारा। अब हम बात करते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट की, जो तीसरे शुष्क फल में जो तीसरे फल हैं, ड्राई फ्रूट की तीसरी वैरायटी है, तीसरे टाइप के फल हैं
ठीक है, तो इनकी बात करते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट की। परिपक्व होने के साथ साथ दो बीजों के बीच की फल भित्ति के अंदर की ओर धस जाने से फल बहुत से एक बीज युक्त फलांशकों, जिनको हम फलांशकों को मेरिकार्प भी कहते हैं, उनमें विभक्त हो जाते हैं, जैसे लोमेंटम इसका ठीक है पहला उदाहरण है। और ये क्या है, पोड्स या फली का मॉडिफिकेशन है, डेवलप होता है एक अंडपी यूनिलोकुलर सुपीरियर ओवरी से, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्राउंडनट मूंगफली, मोमोसा पुडिका, छुई मुई का पौधा और अकेसिया यानी कि बबूल, ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। आगे बढ़ें, लोमेंटम के एग्जांपल हो गए ग्राउंडनट, मोमोसा पुडिका यानी छुई मुई और बबूल। आगे बढ़ते हैं क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प जो फ्रूट है ये दूसरा टाइप है इसका साइजोकार्प का, तो ये बाइलोकुलर द्विकोष्ठीय होता है और डबल सीडेड होता है, ठीक है, द्वि बीजी होता है और द्विकोष्ठीय होता है। डेवलप होता है बाइकार्पेलरी द्वि अंडपी और इन्फीरियर ओवरी से, ठीक है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो अम्बेली फ्लोरी जो फैमिली है उसके सारे सदस्य इसके एग्जांपल हैं। तीसरा है रेगमा। रेगमा फ्रूट डेवलप फॉर ट्राईकार्पेलरी, त्रिअंडपी और सुपीरियर ओवरी से विकसित होते हैं। फ्रूट डिवाइडेड इनटू थ्री कोकाई आफ्टर मैचुरेशन, जो फल होते हैं वो परिपक्व होने पर तीन अस्फोटी बीजयुक्त गोलाणुओं में विभक्त हो जाते हैं, विभाजित हो। रिजिनस कमनिस या अरंडी इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसका जिरेनियम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो एग्जांपल है वो है कार्स सेरुलस। ये डेवलप होते हैं द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी से। फॉल्स सेप्टम पाए जाते हैं इसमें। ओसिमम सेंटम या तुलसी इसका बेस्ट एग्जांपल है। और ये ब्यूटिलोन भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं गूदेदार फलों की या फ्लैसी फ्रूट की। ड्राई फ्रूट तो हो गए, उसके बाद फिर एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्लैसी फ्रूट की। फ्लैसी फ्रूट की अगर हम बात करें तो ड्रूप इसका पहला मतलब जो फ्लैसी फ्रूट का टाइप है वो है ड्रूप, ठीक है। ड्रूप सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, डेवलप होते हैं यूनिकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी यानी एक अंडपी और बहु अंडपी, हाफ सुपीरियर हाफ इंपीरियर ओवरी से, ठीक है, ठीक। और ये जो है एपिकार्प डिवाइडेड होते हैं तीन लेयर्स में, एक्टोमीजो और एंडोकार्प में। इसमें इन फ्रूट्स में जो एपिकार्प होता है बीज का जो सॉरी फ्रूट का जो फल भित्ति होती है वो तीन लेयर में बटी होती है ड्रूप में, ठीक है। और एंडोकार्प जो होती है वो इनमें बुडी होती है, लकड़ी नुमा होती है, जैसे मैंगो देखो आम आम की जो गुठली होती है एंडोकार्प वो, जिजीफस बेर में भी यही होता है, पिस्टेसिया, ठीक है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, ड्रूप फ्रूट के। अगर आ जाए कि आम किस फ्रूट में आता है तो ड्रूप में। अब बेरी फ्रूट। बेरी फ्रूट सिंगल और मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं, इनमें एक बीज भी हो सकता है और कई बीज भी। डेवलप होते हैं मल्टी कार्पेलरी बहुअंडपी सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी से। एपिकार्प डिवाइडेड इंटू एक्टोकार्प और एंडोकार्प, मतलब दो ही हिस्सों में बटा होता है एक्टोकार्प और एंडोकार्प में, ठीक है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं टमाटर, केरी का पपाया यानी पपीता, ब्रिटिश विनीफेरा यानी अंगूर और कैप्सिकम मिर्ची, ठीक है, मिर्च है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, टमाटर पपीता अंगूर और मिर्च इसके बेस्ट एग्जांपल हैं किसके, बेरी फ्रूट के। आगे बात करते हैं पोम फ्रूट की, पोम फल की, ठीक है। यह स्यूडो फ्रूट होता है, झूठा या फॉल्स फ्रूट होता है पोम फल, डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड रिसेप्टिकल। ये ओवरी और रिसेप्टिकल, ओवरी यानी अंडाशय और इसके अलावा पुष्प के अन्य अंगों बाह्य अंगों से भी विकसित होता है। मेन फ्रूट जो होता है वो पेंटाकार्पेलरी और हाफ सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है। एडिबल जो पार्ट होता है इसका वो थैलेमस पुष्पासन और रिसेप्टिकल होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल यानी सेब, ठीक है। आगे बढ़ें तो पेपो फल की अगर हम बात करें, पेपो में देखेंगे कि इसका जो फ्रूट है वो मल्टीकार्पेलरी बहुअंडपी इन्फीरियर
और पैराइटल प्लेसेंटेशन वाली ओवरी में से विकसित होता है। एक्टोकार्प इसका थोड़ा रिजिड होता है। मीजोकार्प और एंडोकार्प जो है वो खाने योग्य पार्ट होता है, और कुकरबिटेसी फैमिली के सारे मेंबर इसमें आते हैं, पेपों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रूट जो है वो है हेस्पेरिडियम। ये डेवलप होता है मल्टीकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, और इसका जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्साइल होता है। ठीक है, एक्टोकार्प थोड़ा थिक होता है और विद ऑयल ग्लैंड्स, इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं ऑयल वो होती हैं एक्टोकार्प में। एंडोकार्प इज एडिबल पार्ट होता है, जैसे कि हम संतरा और नींबू इसकी बात करें तो हेस्पिरिडियम मतलब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टुला एक फ्रूट होता है। ठीक है, मल्टीलोकुलर और मल्टी सीडेड फ्रूट होता है। डेवलप होता है मल्टीकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। टेस्टा ऑफ सीड इज रेड होते हैं। ठीक है, फ्लैसी होता है एडिबल, और टैगमेन इसका रिजिड होता है, जैसे पुनिका। ठीक है, अनार की अगर हम बात करें तो ये इसी में आता है, ब्लास्टुला फ्रूट में अनार। ठीक है, आगे बात करते हैं एम्फी सार्क का फ्रूट की। ठीक है, ये मल्टीलोकुलर मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं। मल्टीलोकुलर और मल्टी सीडेड फ्रूट होते हैं। डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी यानी बहुअंडपी सुपीरियर ओवरी से। इनकी जो फलवृत्ति या एपिकार्प होती है वो रजेड होती है। एक्टोकार्प जो बाहरी फलवृत्ति होती है वो रजेड होती है। मीजोकार्प और एंडोकार्प फ्लैसी होती है, गूदेदार होती है। इनका जो एडिबल पार्ट यानी खाने योग्य भाग होता है वो मीजोकार्प और थैलेमस होता है। ठीक है, जैसे वेल है, वेल को हम एजेल मार मेलस बॉटनिकल नाम रखते हैं। कैथ है फेरोनिया एलिफेंटम। ये मतलब दो तरह के फ्रूट्स पर वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।